गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का लेसन जो थर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे। तो हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे किसके बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। रोटेशन मतलब पृथ्वी का अपने ही अक्ष के ऊपर घूमना या चक्कर काटना अपने ही अक्ष के ऊपर, ठीक है। और रिवोल्यूशन का मतलब क्या था कि पृथ्वी का जो हिमालय क्या है, ये सन है और ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो ऐसे इसमें पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है। तो दो गति हो गई, दो मोशंस हो गई जो हमने पढ़ी थी, एक रोटेशन दूसरा रिवोल्यूशन। उनके बीच आज हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे क्या क्या विभिन्नताएं या असमानताएं या अंतर जो है पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पेज नंबर 223 है, पेज नंबर 223, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। घूर्णन और परिक्रमण गति के बीच जो है अंतर क्या क्या पाए जाते हैं, रोटेशन है एक तरफ का, रिवोल्यूशन। रोटेशन में देखते हैं द स्पिन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन किसे कहते हैं, पृथ्वी का अपने ही अक्ष के ऊपर जो क्या करना, घूमना क्या कहलाता है, ये रोटेशन कहलाता है। जबकि रिवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये क्या कहलाता है, ये रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब रोटेशन में बी है, टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। पृथ्वी अपने ये चक्कर, एक चक्कर एक ही जगह पे लगाने के लिए 24 आवर्स का टाइम, 24 घंटे का टाइम जो है पृथ्वी लेती है अपने अक्ष के ऊपर। बट रिवोल्यूशन में क्या है, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन द अर्थ टेक्स 365 1/4 डे। यानी इस चक्कर को पूरा करने के लिए 365 1/4, यानी 365 दिन और अप्रोक्सीमेट कितने हम कह सकते हैं, 6 आवर्स, 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे मिलते हैं, ठीक है। रोटेशन में आते हैं सी पार्ट, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज डे एंड नाइट। इसका जो इफेक्ट है इसे क्या मानते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं रोटेशन की वजह से। बट रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज द चेंज इन सीजन। सीजन के अंदर चेंज आता है, सीजन को जैसे हमारी समर है, विंटर है, ठीक है, इस तरह की सीजन है हमारी, इनके अंदर चेंज आता है, समर से विंटर, विंटर से आगे समर पतझड़, ठीक है। तो आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन। अब हमने अर्थ रोटेशन का एक इफेक्ट का दिन और रात का बनना वो हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, ऑकरेंस ऑफ सीजन, ठीक है, सीजन का बनना या सीजन का बदलना। ऑकरेंस ऑफ सीजन या इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन, जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसका इफेक्ट क्या होता है पृथ्वी के ऊपर। ऑकरेंस ऑफ सीजन एंड वेरी लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर द मेजर इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो मेजर इफेक्ट क्या होता है, एक तो मौसम में बदलाव हमारे समर विंटर, ये जो सीजन आते हैं ऋतु आती है गर्मी सर्दी, ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा क्या है, दूसरा दिन और रात का छोटा बड़ा प्रभाव, ठीक है। दिन और रात क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, वो भी रिवोल्यूशन के कारण ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
ऑक्युरेंस ऑफ सीजन, ठीक है, ऋतुओं का बदलना। द सीजन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, जो ऋतु परिवर्तन है या ऋतु में है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। दे इफेक्ट आवर लाइफ, ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बट हैव यू एवर थॉट हाउ दिस सीजन, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ऋतु कैसे बनती है या कैसे बदलती है, ठीक है। व्हाई डू वी हैव एनी सीजन, हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऋतुएं हैं, कई ऋतुएं हैं, क्यों कैसे? इन फैक्ट दे आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वास्तव में क्या है, ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन कहते हैं जिसे हम, ठीक है, उसकी वजह से जो है ऋतुएं बदलती है या अलग अलग ऋतुएं बनती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टूगेदर विद द इंक्लाइंड एक्सिस डिटरमाइंस द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ एंड अबव ऑल इट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ सीजन। पृथ्वी की जो स्थिति होती है, ठीक है, पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसी वजह से क्या होता है, हमारे जो सीजन है उनमें बदलाव होता है। कैसे? मानवीय हमारी अर्थ है और ये सन है, अभी यहाँ पे केवे सीधी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे केवे सीधी पड़ रही है इक्वेटर के ऊपर वाले, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी होगी, क्या होगी, गर्मी या समर कह सकते हो, लेकिन इस साइड जाती है और इस साइड जाते हुए ये सूर्य की वजह से क्या है, तिरछी पड़ रही है, ठीक है, तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर या फिर कोल्ड, ठीक है, ये सिचुएशन होगी, कहाँ से दोनों हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो पृथ्वी की जो सिचुएशन होगी, सूर्य की जैसी स्थिति होगी पृथ्वी के साथ, वैसे ही सीजन में बदलाव आते जाते हैं, ठीक है। द सन इज आवर अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, जो सूर्य है वो हमारे लिए ऊष्मा का एकमात्र बहुत बड़ा जो कह लो एक व्यापक सोर्स है, एक स्रोत है, एंड एनर्जी, ठीक है, वो साथ में एनर्जी देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। द चेंजिंग इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रेड गेज गाइस टू द सी, ठीक है। अब इसकी जो रीत ये हमारे परिवर्तन होता है, रीजन क्या होता है, इसकी जो रेज है उनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या होगा, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है सीजन्स के अंदर बदलाव आते हैं और उसी वजह से जो है गर्मी और सर्दी का हमें एहसास होता है, ठीक है। ये आज का हमारा जो पार्ट था, आगे देखते हैं। यूजुअली वी हैव फोर सीजन, अगर हम देखें सामान्य तौर पर हमारे कितने सीजन है, कितनी ऋतुएं हैं, वह चार, पहले स्प्रिंग, ठीक है, उसके बाद समर, उसके बाद ऑटम, उसके बाद विंटर, ठीक है, ये चार सीजन हमारे हैं, इनके बारे में हम कल आराम से डिस्कस करेंगे अलग अलग के एक एक कर, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम।